आपको एक चीज दिखाऊं? क्या? आज मेरी चोट लग गई। कहाँ पे? सर पे। दिखाओ। ये कहाँ? ये कैसे लग गई? हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड, नहा धो के रेडी हो गई हूँ और अभी जा रही हूँ फिलहाल पूजा करने। तो चलो फ्रेंड, चलते हैं पूजा करने। फ्रेंड्स, फाइनली पूजा भी हो गई है मेरी। सो फ्रेंड, चलो फिलहाल करते हैं ब्रेकफास्ट। तो आज ब्रेकफास्ट में है ब्रेड टोस्ट और चाय। तो फ्रेंड्स, करती हूँ फिलहाल नाश्ता अभी। फ्रेंड्स देखो, बच्चे दोनों स्कूल चले गए हैं और मैं घर पे अकेली हूँ और आधी आधी काम कर रही है। मैं बैठी हूँ आज आराम से। टियाना का टाइम हो चुका है, बस टियाना आने वाली है। और आते ही देखो शोर शराबा शुरू। आतंकवादी आ जाएगी, लड़ेगी मुझसे, बातें करेगी, मम्मा मुझे ये दे दो, मम्मा मुझे वो दे दो। बस सारा दिन भर यही रहता है फ्रेंड। और फ्रेंड्स, टियाना आ गई। कहाँ है टियाना? देखो डोर से अभी बाहर है, अंदर ही नहीं आई है। आ जाओ मैडम। देखो आ गई। आ गई स्कूल से। और अच्छा था आज? दो फ्रेंड बन गई बेटा। दो नहीं, तीन होते हैं। तीन भी बन गए मेरे। थ्री फ्रेंड्स बन गई। अच्छा है ना, स्कूल जाना चाहिए ना, फिर मजा आता है ना स्कूल में। कितना मजा किया आपने? इतना। और क्या खाया? खाना खाया? हाँ। फ्रेंड्स, नाइसा भी आ गई स्कूल से। और देखो आते ही सोना। वाह वाह भाई सोना। गर्मी लग रही है, थक गई है? थक गई थर्ड फ्लोर पे चढ़ते चढ़ते। अरे यार सच में तुम बच्चों की ना आजकल पावर बिल्कुल खत्म है, चल ही नहीं पाते हो ज्यादा ऊपर तक। मम्मा ट्रैकिंग है थर्ड फ्लोर तक। मैम को बोलो ना नीचे करो हमारी क्लासेस, ऊपर क्यों की है थर्ड? पहले हमारी ग्राउंड फ्लोर पे थी, फिर कैंटीन के पास थी, फिर बट अब हमारी पता नहीं थर्ड थी। तुम तो सारे बच्चे कितना भारी बैग लेके जाते हो, बड़ा परेशान हो जाते होंगे। चलो कोई नहीं, इसके लिए अपना खाना पीना अच्छा रखो ताकि पावर मिले और हम सीढ़ियाँ चढ़ पाए, है ना टियाना? ट्रैकिंग करना वो नीचे में तो मजा आता है, नीचे उतरने में, जाने में, चढ़ने में दिक्कत होती है। वॉशरूम भी हमारे सेकंड। और इन केस कभी तो पहाड़ों में रहने चली गई तो ट्रैकिंग कैसे करेगी? नहीं कर पाएगी कुछ भी, है ना? फ्लैट पे ही रहना पसंद है फिर तो तेरे को। हाँ फैन फैन देखो, इसकी फैन कौन सी गाड़ी चला रही है ये देखो। फैन फैन चला रही है देखो। कलर पसंद है, किसी को भी पसंद नहीं होती बेटा वो थर्ड फ्लोर को। अरे भाई देखो गाड़ी बना दी, टूट गई गाड़ी। मम्मा आपको एक चीज दिखाऊं? क्या? आज मेरी चोट लग गई। कहाँ पे? सर पे। दिखाओ। ये कहाँ है? ये कैसे लग गई? अरे वो हमारा वो नहीं होता कि चढ़ने वाला, जिसको हम पकड़ के चलते हैं। हाँ। तो उसके साथ में ना दीवार बनी हुई थी। अच्छा। तो चढ़ के आ रही थी, बहुत भीड़ हो रही थी, दिखा नहीं। तो क्योंकि ट्वेल्थ और इलेवेंथ के इतने बड़े बड़े बच्चे होते थे, दिखा नहीं। तो एकदम से मैं दीवार पर। क्या इतनी भीड़ हो रही थी क्या? हाँ हमारी जो दिखानी है आपको। हाँ मम्मा, शॉर्ट ब्रेक और लॉन्ग ब्रेक में होती है, तो ध्यान से चलना चाहिए था ना जोर से। हाँ। एक और चीज बताऊ क्या? मम्मा इट्स अ प्रैंक। हाओ टियाना, दीदी ने प्रैंक कर दिया हमारे साथ। ओ, देखो ये रेड स्केच पेन लेकर अपना। गंदी बात। फ्रेंड्स अभी करते हैं लंच। और देखो आज लंच में है दाल रोटी और रायता। फ्रेंड्स देखो टियाना भी खा रही है, आप ही खा रही है। टियाना बड़ी हो गई है ना टियाना, है ना? वेरी गुड टियाना। सो फ्रेंड्स अभी रेडी हो गई हूँ और अभी जा रहे हैं नाइसा और मैं नाइसा की डांस क्लास के लिए। तो फ्रेंड चलते हैं। सो फ्रेंड्स अभी आई हूँ मैं डांस क्लास में नाइसा की। अब मेरे को एक घंटे के लिए वेट करना पड़ेगा नाइसा के लिए। तो फ्रेंड्स टियाना ने पूरा घर को फैला दिया, देखो सारे टॉयज बाहर निकाल दिए इस लड़की ने। पूजा की तैयारी। फ्रेंड्स पूजा की तैयारी भी हो चुकी है, बस जोत जला रहे हैं। और नाइसा देखो, टियाना देखो पापा के साथ बैठ के पूजा कर रही है आज। देखो कितनी अच्छी लग रही है इसे, देखो ये देखो फ्रेंड, देखो कलर से पूजा हो रही है इसकी। किससे कलर हो रही है पूजा? ये देखो फ्रेंड, दोनों हाथों से, उल्टे हाथ से, सीधे हाथ से। वाह। मुझे बात बताना है। क्या बताना है टियाना? मम्मा ये बहुत अच्छी बोतल लेके आई। बहुत अच्छी लगी आपको? हाँ।
कैसे अच्छी लगी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, क्योंकि इससे पानी अच्छे से पिया जाता है आपसे। और ये आपकी साइज की है? कल तो आप लड़ाई कर रहे थे दीदी से, नहीं मुझे बड़ी बोतल चाहिए। मैंने कहा था ना ये बोतल आपके लिए बहुत अच्छी है ना? मम्मा जो बोलती है ना वो अच्छी बात होती है। ये तो अच्छी। और देखो इसमें कलर, वो तो गंदी है। हाँ आप देखो कौन सा कलर है बोतल का, बताओ। बताओ जल्दी। रेड। हाँ एप्पल का कलर होता है ना रेड, भूल जाते हो आप बहुत जल्दी। जा रहे हैं नानी के घर तो मिलते हैं आपको नानी के घर। जब हम आ चुके हैं नानी के घर तो अब आपको हम मिलवाते हैं अपनी नानी से। नमस्ते, कैसे हो आप? ठीक हूँ। अब हम मिलाते हैं अपने प्रिय नानू जी से। नमस्ते नानू। फाइनली हमारे इस चैनल पे हमारे 50K सब्सक्राइबर हो चुके हैं और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ फ्रेंड इस चीज के लिए कि चलो मेरी मेहनत सफल हो गई और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया फ्रेंड सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। फ्रेंड जो मेरी वीडियो फिलहाल वायरल हो रखी है उस पे मेरे जो व्यूज हैं वो 9 मिलियन व्यूज आए हुए हैं और साथ ही साथ फ्रेंड उस पे 129,000 लाइक भी आए हैं उस वीडियोस पे। तो थैंक यू सो मच, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और मेरी जो डॉटर है नायसा द प्रिंसेस के नाम से ये चैनल है, हाँ मेरे बेटी के नाम से चैनल है बट करती मैं ही हूँ सब कुछ, बट वो भी बहुत खुश है। इवन मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश है इस चीज के लिए कि आज हमारे पूरे 50K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। फ्रेंड्स प्लीज ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। सो फ्रेंड्स अभी आ चुके हैं नानी के से घर और अभी मुझे करनी है एडिटिंग। और देखिए फ्रेंड्स इस टाइम कितने बज रहे हैं, 12:30 बज रहे हैं फ्रेंड्स। और टियाना को देखो क्या कर रही है, गुर्र देखो। करके ही सोना चाहिए और इवन ब्रश करके सोना चाहिए, बट आप थोड़े से बड़े हो जाओ फटाफट फिर ब्रश भी करना आप, ठीक है ना? सो नायसा कुछ कहना चाहते हो आप? यस। क्या? सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच कि आपने हमारे 50K कराए। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे 50K इतने जल्दी जल्दी हो जाएंगे और हमारा अनएक्सपेक्टेड था कि हमारे 50K हो जाएंगे लेकिन हो गए। और साथ ही साथ जो वीडियो भी वायरल हुई है फ्रेंड उसकी भी व्यूज काफी अच्छे आ चुके हैं, एक में 9 मिलियन आ गए हैं और एक में 3.2 मिलियन और लाइक्स भी काफी ज्यादा अच्छे आ गए हैं उसमें। एक पे आई थिंक 1.5 लाख लाइक आ चुके हैं एक वीडियो पे और एक पे दूसरे पे भी शायद इतने ही ऑलमोस्ट। तो सब कुछ पॉसिबल सिर्फ आपकी वजह से हो पाया। थैंक यू सो मच फ्रेंड, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को थैंक यू। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। करना खेल करना।